जहाँ कहीं भी आयोजित होता है कवि दरबार, वहाँ पाए जाते हैं कवियों के अनेक प्रकार। अनेक प्रकार क्या बात है? पहले प्रकार का कवि मंच पर पहुंचकर कविता ढूंढने में ही समय खपा देता है। कविता जी आज सब ना लपेटेंगे। मंच पर पहुंचकर बहुत पुरानी कविता है। आप ये सही है। आप मोबाइल में रखते हैं। ढूंढने में ही समय खपा देता है। जल्दी जल्दी में सुनाने कुछ और आया था। सुना जल्दी जल्दी में सुनाने कुछ और आया था। कुछ और सुना। दूसरे प्रकार के कवि के मन में कविता का वजन बढ़ाने हेतु भारी भरकम शब्दों को प्रयोग करने का होता है जोश। दूसरे प्रकार के कवि के मन में कविता का वजन बढ़ाने हेतु भारी भरकम शब्दों को प्रयोग करने का होता है जोश। कविता का अर्थ जानने के लिए घर जाकर शब्दकोश कविता से भी बड़ी हो जाती है। तीसरे प्रकार की कवि की भूमिका कविता से भी बड़ी हो जाती है। रचना भूमिका के नीचे दबकर रह जाती है। आधी अधूरी बात ही कह पाती। चौथे प्रकार का कवि अपनी अच्छी कविता के लिए सबसे दांत पाता। चौथे प्रकार का कवि अपनी अच्छी कविता के लिए सबसे दांत पाता है। उच्च स्तर का कवि कहलाता है पर वह शब्दों के उच्चारण में मार खा जाता है। चौथे प्रकार का कवि अपनी अच्छी कविता के लिए सबसे दांत पाता है। उच्च स्तर का कवि कहलाता है पर वह शब्दों के उच्चारण में मार खा जाता है और मूक आलोचनाओं का शिकार हो जाता है। मूक आलोचनाएं। वाह 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 वाह। पांचवे प्रकार के कवि को मंच संचालक बार बार समय की याद दिलाता रहता है। ध्यान दो कौन से प्रकार का कवि है। मन संचालक बार बार समय की याद दिलाता रहता है पर वह जितना सोचकर आया था सुनाकर ही जाता है। पर वह जितना सोचकर आया था सुनाकर ही जाता है। और विडंबना यह है कि बाद वाले कवियों को समय कम मिल पाता है। और विडंबना यह है समय कम मिल पाता है। छठे प्रकार का कवि मन संचालक के काम में फुसफुसाता है। अप्रोच लगाता है। छठे प्रकार का कवि मन संचालक के काम में फुसफुसाता है, अप्रोच लगाता है और मुख्य अतिथि के सामने सुनाकर निकल जाता है। ये भी सही है। अप्रोच लगाता है, मुख्य अतिथि के सामने सुनाकर निकल जाता है। जिसका नंबर आने वाला था मैं देखता ही रह जाता। मित्रों कविता वही है, मित्रों कविता वही है जो तय समय में सरल शब्दों में सही उच्चारण के साथ बिना भूमिका के सुनाई देती। क्या बात है। कविता वही है जो तय समय में सरल शब्दों में सही उच्चारण के साथ बिना भूमिका के सुनाई जाए। अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाए। वाह 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 वाह। अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाए और जो दिल की गहराइयों से निकले सीधे दिल में उतर जाए। वाह वाह वाह। दिल की गहराइयों से निकले बहुत कमाल।